नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे एक नए मरीज हैं सपना जी। हाँ, तो सपना जी जब हमारे पास आई थी 14 जुलाई 2020 को, तो इनकी MRI में जो है सर्वाइकल में ऑस्टियोफाइट से साथ में सर्कमफेशियल डिस्क बल था C5 C6 में C6 C7 में, और बाइलेटरल न्यूरल फोरामिना एग्जिटिंग नर्व रूट कंप्रेशन था, जो कि इनको हमने तकरीबन 15 से 20 थेरेपी के लिए बोला था, जो कि हमारे यहाँ जो स्पेशल न्यूरो के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो दबी हुई नस होती है इसके लिए इलाज जो किया जाता है, उसके लिए हमने इनको 20 थेरेपी बताई थी। खासतौर पे जो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी NSDR थेरेपी की जाती है हमारे यहाँ पे, गृहअवस्थी की जाती है, उसके लिए इनको बताया था। साथ में इनकी कुछ कुछ कमर में भी दर्द रहता था। तो आज हम जानेंगे खुद सपना जी से कि सपना जी कैसी हैं, क्या अब पहले से कितना आराम था और पहले कितनी तकलीफ थी। सपना जी, पहले तो ये बताइए कि पहले आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी सर्वाइकल की या पैरों में जो भी है? थोड़ा सा तेज हो रहा है, लेफ्ट हिस्सा पूरा दर्द होता था, ना हाथ नहीं उठता था, ना ये पैर उठता था, और बदन के पास दर्द होता था। मेरे मुझे जहाँ तक याद है, जब आप शुरुआत में आ रहे थे थोड़ा लड़खड़ाती हुई हाथ को थोड़ा सा लूज करके हमेशा चलती थी, उस समय बहुत ज्यादा दर्द था। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सर्वाइकल की जब लोगों को समस्या होती है, तो जब नर्व कंप्रेशन होती, तो जिस एरिया के पास नर्व कंप्रेशन होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि उस साइड की जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं धीमे धीमे वर्क करने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है लेफ्ट शोल्डर का जो है सुप्रास्पाइनल टेंडन भी जो है थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, काफ़ी वीक हो गया था, जो कि हमने उसमें देखा, एक्सरे कराया अल्ट्रासाउंड, उसमें वो टियर ही हो चुका था पूरी तरीके से, जिसके लिए इनको लीज थेरेपी चल रही है। अब आपकी 15 थेरेपी लगभग हो चुकी है, तो क्या आपका मतलब लोगों के लिए क्या कहना है, क्या आपको आराम मिला है यहाँ से या नहीं मिला? जी आपको बहुत मिला है, मेरी दर्द पहले वो हिल भी नहीं थी बिल्कुल, पीछे जैसे ऐसे करते थे तो बहुत तेज दर्द होता था, अब मेरी दर्द बहुत हल्की हो गई है, ऐसे लग रहा कोई चीज भारी चीज हटा दी गई है, भारी चीज हटा, हाँ तो काफी हल्की हो गई है, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाथ पैर अपने मूवमेंट में प्रॉपर लग रहा है, ये सब चीजें सब ठीक है, और कमर से जो पैर का दर्द है ये अब थोड़ा सा मतलब वही 40% थोड़ा कम बचा है। बस अगर ओवरऑल की बात करें पूरे शरीर की, 100 में कितने परसेंट के आराम होगा? 60% आराम होगा, 60% 40% वही पैर का, वो पैर का थोड़ा सा एक इशू बकाया पूरा लगभग होगा, बाकी ये सब चीजें मेरी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं। सेंटर में जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी को लेकर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई समस्या आती है या जो मेहनत होती है? भाई कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी थेरेपी बहुत महंगी है, तो जो हमारी मेहनत है उस मेहनत के एवरेज में थेरेपी महंगी है सस्ती है क्या है थोड़ा? नहीं भाई, अब मेहनत के ही पैसे लगते हैं और मेहनत बहुत है इसमें, ये तो है कि मतलब हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल डॉक्टर साहब पसीना पसीना हो जाते हैं, तो मेहनत है इसी के पैसे हैं, और फिर ठीक हो गए हो तो फिर पैसा फिर नहीं काम करता है, तो कि हम ठीक हो गए, पैसा तो हर चीज हर जगह लगता है, लेकिन सही जगह लग गया और बंदा सही हो गया है तो तब ज्यादा नहीं समझ में। डॉक्टर्स के व्यवहार या हमारे सेंटर में जिस तरीके से थेरेपी होती है, क्या भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कोई महिला मरीज आती है तो उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी या कोई टेंशन वाली बात? नहीं, बहुत ही अच्छा मतलब स्टाफ है, बिल्कुल फ्रेंडली है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो चाहे डॉक्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग संतुष्ट हैं। जनता को एक्चुअली में हमारा एक सरकार से कहना है, आपके माध्यम से मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जितना भी जो एलोपैथ को बढ़ावा देती है या वेस्टर्न चिकित्सा को बढ़ावा देती है, सरकार यदि चाहे तो आयुर्वेद को बढ़ावा दे, बिना ऑपरेशन के ना किसी मरीज को आराम मिलता है, तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में? अपने देखिए खर्च तो सबका लगता है, ये चीज सरकार को सरकार के हाथों में है तो कैसा रहेगा? और सही है ये, क्या सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए? तो आपका मैसेज क्या होगा सरकार के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा कि सरकार को आयुर्वेद को थोड़ा ये देना चाहिए, जैसे होता है हम लोग जैसे मेडिक्लेम कराए, अब वो सीधे सीधे हमसे कहते हैं कि वो हम इस पे नहीं क्लेम देंगे,
तो हमने कहा एक बात बताइए, दवाई उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो हम इंग्लिश में, हम क्यों इंग्लिश में इमरजेंसी में इनको दिखाया था। अश्विनी कुमार उत्तम ने दवाई सर की दी और इनका जब तो वेट जो 80 किलो था, वेट उनका जब तो 100 किलो हो गया, अब उससे इनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो हम यही कहेंगे भाई अंग्रेजी दवा तो हटा के हम किनारे गए, थोड़ा सा आयुर्वेदिक में आ जाएंगे तो इसमें सही रहेगा। और इसके लिए हम तो कह हम लोगों को थोड़ी रिलीफ मिल रही है, मेडिकल क्लेम है, इसमें क्लेम मिल जाए। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सरकार से मेरा कहना होगा कि जो लोग लगातार मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है अपोलो मुनिच है या दूसरी कंपनियां भी जो भी हैं, वो सभी मेडिक्लेम के पैसे तो लेती हैं पर उनके पास खुद भी कोई अभी तक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। कानपुर में 15 बेड का हॉस्पिटल है सरकार है, या सरकार का खुद का 25 बेड का हॉस्पिटल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से उसको जो है अपने रिलीफ मिले, पेशेंट को उसका फायदा तो मिले, तो पैसा दिया उसने और सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद।